जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन में हमें देखने को मिला था मुंबई से कई सारे सुपरस्टार हीरो हीरोइन अपने अपने गांव अपने अपने घर वापस चले गए थे। उनमें से एक थी शिवांगी जोशी, जो ये रिश्ता क्या कहलाता है शो में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम करती हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, अपने गाँव यानी कि अपने घर देहरादून में जाने के बाद काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी। उसके बाद लंबे ब्रेक के बाद जब लॉकडाउन के बाद कुछ प्रक्रिया ऐसी शुरू हुई, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार शूटिंग शुरू की गई, तो शिवांगी जोशी वापस आई। वहाँ पर उन्होंने ये रिश्ता क्या कहलाता है शो की शूटिंग की और वापस आने के बाद मुंबई में कहती कि यहाँ चीजें काफी डरावनी और अलग हैं। उन्होंने कहा, यहाँ चीजें अलग और डरावनी हैं। मैं सिर्फ सेट पर जाती हूँ, शूटिंग करती हूँ, घर वापस आती हूँ। इस दौरान मैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ अन्य सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करती हूँ। ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक मुंबई और दुनिया में चीजें बेहतर नहीं हो जाती। आप सभी को बता दें किस प्रकार से शिवांगी जोशी का एक बड़ा बयान सामने आया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि नए एपिसोड्स में वह दो किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा, यह पहली बार है जब मैं डबल रोल कर रही हूं और वास्तव में इसका आनंद ले रही हूं। ये एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा रोमांचक है। मेरे डबल रोल एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। मैंने 3.5 महीने के बाद शूटिंग फिर से शुरू की है। अपना पहला शॉट नायरा नहीं बल्कि टीना के रूप में दिया। स्थिति आसान नहीं थी और हालात सामान्य नहीं थे। हमसे हर समय एक के मन में डर पैदा हो जाती है कि कहीं ना कहीं अब नहीं तो तब हम कोरोना वायरस की चपेट में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी किस प्रकार से शिवांगी जोशी आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए अपनी जान दांव पे लगा के शूटिंग कर रही हैं और साथ ही साथ कैमरे के सामने जाके अच्छे शॉट्स भी देते हुए दिखाई दे रही हैं। वे कैमरे के सामने वापस आने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी और उन्होंने बताया था कि इतने लंबे समय के बाद अपने सह कलाकारों से मिलना काफ़ी मज़ेदार है। लेकिन देहरादून और मुंबई में काफ़ी डिफरेंस बताते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डरावनी, काफ़ी ज़्यादा भयावह हैं। चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कोरोना वायरस छुपा होगा, जो मुझे अभी नहीं तो तभी अपनी चपेट में ले लेगा। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।